नेशनल हाईवे बिटवीन मंडी एंड पंडो एंड फ्रॉम पंडो टू औट, ये कि सब जानते हैं कि बहुत ही वल्नरेबल है ये सड़क, और यहाँ चट्टाने और मलबा जो है एकदम आ जाता है भारी बारिश से। तो ये पिछली रात हुई भारी बारिश में करीब 2 बजे ये रोड काफ़ी जगहों पे बंद हो गया था। मंडी और पंडो के बीच में 5 मील, 6 मील और 9 मील, और उसके बाद आर्मी ट्रांजिट कैंप जो है जागरनाला के पास, वहाँ भी ये बंद हो गया था। उसके बाद पंडो और औट के बीच में जो एक देवड़ नाला है उसमें काफ़ी फ्लड आया था मून होटल के आगे, वो भी बंद था। और उसके बाद ये जो हनोगी और जोगनी माता के बीच में 2 डंगे जो NHK हैं ये टूट गए हैं और वहाँ सिंगल पॉइंट बन गए थे, और वो भी बंद हो गया था। वो उस सबको जो है क्लियर कर दिया गया, अभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चल गया है, लेकिन ये सभी पॉइंटों पे अभी भी सिंगल लेन ट्रैफिक चल रहा है जिसको पुलिस मैनेज कर रही है, लेकिन ट्रैफिक के आवागमन में अब कोई दिक्कत नहीं है और NH पे ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो चुका है। अभी तक रात के समय से लेके सुबह 10 बजे तक करीब 1,500 गाड़ी जो मंडी साइड में रुकी पड़ी थी कुल्लू मनाली की, वो सब निकाल दी गई थी। और इसी तरह उस दूसरी साइड से औट के आगे हमने टकोली और पनारसा में काफ़ी सारी गाड़ियां रुकी हुई थी, वो भी सब निकाल दी गई हैं, और अब इस NH पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। वाहन चालकों से किस तरह आते रहेंगे सर, देखिए अभी बरसात जो है चली हुई है, चूंकि ये सारा ही पार्ट जो है ये बहुत खतरनाक है, इसमें जब भी बारिश होती है चाहे दिन के समय भी यदि भारी बारिश हो रही है तो इसमें सफ़र ना करें, रात के समय तो बिल्कुल सफ़र ना करें, जान को खतरा हो सकता है। पीछे काफ़ी घटनाएं इसमें हो भी चुकी हैं, पीछे बस के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान एक रूट बस के ऊपर गिर गई थी, उसमें सभी लोग बाल बाल बचे। तो उसमें ये सभी लोगों को ये सलाह रहेगी, पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी रहेगी कि रात का सफ़र जो है वो इस रोड पे जो है अवॉइड किया जाए।